शिवपुरी की नगर देवता शिव मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया मेले का किया भूमि पूजन। शिवपुरी विधायक एवं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दिया हमेशा सहयोग। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा महाराज साहब की प्यारी नगरी है शिवपुरी, बड़ा प्रेम है शिवपुरी से महाराज साहब को। शिवपुरी शहर के छतरी रोड पर स्थित है महादेव का प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर। बताया जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने यहाँ कुछ समय तपस्या की थी। 12वीं सदी में राजा नल के शासनकाल के दौरान मंदिर का निर्माण कराया गया। महादेव यहाँ नगर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के महंत गोपाल भट्ट ने बताया कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग को ओमकारेश्वर मंदिर से शिवपुरी लाया गया था। इस शिवलिंग के चारों ओर 12 अन्य शिवलिंग भी हैं। सभी शिवलिंग ओमकारेश्वर से लाए गए हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण राजा नल ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था, जिसके चलते राजा नल की छत्रियाँ भी इस मंदिर परिसर में बनी हुई हैं। प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, जिसमें 12वीं शताब्दी की गोरखनाथ की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने कुछ समय तक यह रहकर तपस्या भी की थी। सैकड़ों वर्षों पुराने शिवालय का जीर्णोद्धार दौलतराव सिंधिया की रानी बैजाबाई सिंधिया के द्वारा कराया गया। उन्होंने शिव मंदिरों के निर्माण और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया था। मंदिर को नया रूप 6 वर्ष पहले 2017 में तत्कालीन कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव और SDM रूपेश उपाध्याय के सहयोग से दिया गया। शिवरात्रि का महापर्व है और हम खड़े हैं शिवपुरी के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर धाम में। सिद्धेश्वर धाम ये वो धाम है जहां पर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो ओमकारेश्वर से लाया गया था। 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है। 12वीं शताब्दी से लगातार लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र ये मंदिर बना हुआ है। हम आज इस सिद्धेश्वर मंदिर की वस्तु स्थिति और शिव के इस पवित्र मंदिर की आपका परिचय कराएंगे। आज शिवरात्रि के महत्व पर सिद्धेश्वर मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ शहर की प्रथम नागरिक गायत्री शर्मा जी भी मौजूद हैं। सिद्धेश्वर मंदिर की शिवरात्रि का एक बड़ा महत्व है। इस दिन शिवपुरी में मेले का भी हर साल उद्घाटन होता है और यहाँ से मेले का एक शुभारम्भ होता है। और सिद्धेश्वर मंदिर पर आज के दिन काफ़ी बड़ा महत्व है क्योंकि 12वीं ईस्वी का मंदिर है और नगर पालिका और महाराज साहब दोनों का ही इस मंदिर से विशेष इंटरेस्ट रहा है। क्या कहना है आपका आज के दिन के लिए? आज ये शिव की नगरी है और आज शिव जी का बहुत बड़ा दिन मानते हैं, शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और आज हमारे पूरे शहर के लोग यहाँ पूजन करने आते हैं। आज के दिन हम मेला की स्थापना करते हैं, भूमि पूजन करते हैं जो हमने आज किया है। और ये शहर कैलाशवासी अम्मा महाराज का शहर है और उनकी यादगार में और श्रीमंत महाराज साहब का बहुत प्रिय शहर है और इस शहर ये शहर उनकी धरोहर है और उस रूप में हम लोग धूमधाम से मेला भी 1 महीने का मेला रहता है और आज हम उसी उपलक्ष में लेके यहाँ पे एक संध्या भजन हमने रखा है जो शाम को 5 बजे से शुरू करेंगे और हमारी इस दौरान विकास यात्रा भी चल रही है तो हमने यहाँ पे सफाई का भी आज सुबह बहुत अच्छे से मैसेज दिया है नुक्कड़ नाटक के द्वारा और ये क्या है कठपुतली खेल के द्वारा सफाई का बहुत अच्छा मैसेज दिया है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ आती है सुबह के समय और रात्रि में हमने संध्या भजन रखे हैं यहाँ पे 5 बजे से। वो भी एक विकास यात्रा का नवाचार है और हम आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शिवरात्रि को लेके शहरवासियों को आपकी क्या विशेष कामनाएं क्या है? आज शिवरात्रि का दिन है और मैं अपने शहर शिवजी से मांगती हूँ कि मेरे शहर को सुंदर स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त रखें और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, उनका पूरा वर्ष मंगलमय गुजरे, ऐसी मेरी भावना है पूरे शहर के लिए। धन्यवाद। शिवपुरी का एक बड़ा महत्व है मेले का। यहाँ की पब्लिक मेले को लेके बहुत उत्साहित रहती है। ग्वालियर का मेला तो वर्षों से लग ही रहा है लेकिन शिवपुरी का मेला भी की भी एक बड़ी परंपरा है जो शिवरात्रि से उसके भूमि पूजन के साथ शुरुआत होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है नगरपालिका CMO जो बताएंगे कि इस बार मेले में क्या महत्व है। नमस्कार सर। सर मेले को लेके इस बार
क्योंकि जनता में काफी उत्साह है। कोरोना के बाद एक मेला लग चुका है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कोरोना इफेक्ट आ गया था। इस बार कोरोना जैसी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव की नगरी में शिव के आशीर्वाद से। इस बार मेले में आप क्या नया करने जा रहे हैं? ये सही है कि कोरोना के कारण पिछला मेला लगा था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है, महादेव का परिसर है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा मेला रहेगा। और इस बार मेले में हम लोग जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी श्रृंखला बढ़ा रहे हैं। पिछले बार 3 कार्यक्रम सांस्कृतिक हुए थे, इस बार हम 5 कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की कव्वाली और कवि सम्मेलन और जोड़ दिया जाए, जिससे मेला का हमारे जो भक्त हैं उनका उत्साह बढ़े। तो ये सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है और स्वच्छता सफाई है मेले का, दोबारा से हम एक बार जो दुकान लगाने का जो लेआउट है उसको प्लान कर रहे हैं। कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं को और जितने भी लोग हैं जो मेला की आकांक्षा रखते हैं, इंतजार करते हैं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। और मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग यहाँ आएँ और मेले का आनंद लें। आज शिवरात्रि का दिन है तो शहर की जनता कहीं ना कहीं अपने एक शहर की प्रथम नागरिक के साथ पूरी जिम्मेदारी आप भी पूरी कदम से कदम मिला के निभा रहे हैं, तो आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि शहर महादेव का शहर है और इस महादेव के शहर में आज शिवरात्रि के सौभाग्यशाली दिन में मैं सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और मेरे प्रत्येक प्रबुद्ध जन पर महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे CMO नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, और आपने देखा किस तरीके से शहर और मेले को लेके एक विशेष रुचि इन दोनों में ही है। और इसी के साथ इस बार फास्ट समाचार भी पूरे शहर और आसपास के जिलों के लोगों से भी आग्रह करता है कि इस मेले में आकर आनंद उठाएं, शिवरात्रि पर सिद्धेश्वर मेले में आकर आनंद उठाएं और एक इस बार आपको कहीं ना कहीं नई अनुभूति के साथ मेले में चीजें मिलेंगी। उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन की भी व्यवस्था इस बार करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अजय राज सक्सेना, शिवपुरी। आज हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, आपने गर्भगृह में आप देख रहे हो हम लोग खड़े हुए हैं। आप गर्भगृह पर काफी समय से आप यहाँ पर खड़े हो, लगता कितने बजे से लगे हुए? मैं आया हूँ जब 11 बजे का, 11 बजे से लगातार भीड़ की क्या स्थिति है? भीड़ की लगातार बढ़ती जा रही है। कितने लगभग आप कितने लोगों को आज दर्शन करने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, मेले वाला का आशीर्वाद है। कितना शिवरात्रि पे लगभग आप यहाँ पे खड़े होते हो, मैं देखता आ रहा हूँ क्या स्थिति लग रही है? बहुत बढ़िया, पहले से भीड़ बढ़ रही है, पहले से भीड़ बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा के दरबार में हर साल इतनी भगवान की कृपा से जाति समंतापुरी भरती रहे, भंडार भरता रहे, जनता भरती रहे, सबको दर्शन हो प्यार मोहब्बत से सबके भला हो। तो आपने देखा किस तरीके से जो भोले भोले बाबा को लेके तो हमारे साथ भक्तों का काफिला लगातार आप देख रहे हैं मंदिर से निकल रहा है और इसी क्रम में हमारे साथ एक भक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनिमेश। अनिमेश जी क्या करते हैं आप? मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज किस महत्व के कारण आप इस मंदिर में आए? बस श्रद्धा है, भगवान जी कृपा है, उन्होंने हमारे आज एक विशेष त्योहार भी है, शिवरात्रि का त्योहार भी है। तो कितने सालों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? यही करीबन 5-6 साल। 5-6 साल से। क्या महत्व है इस मंदिर का? बस भगवान जी सारी कृपाएं मनोकामनाएं पूरी करती हैं, थोड़े श्रद्धा में कभी कमी नहीं रहती और मतलब पॉजिटिविटी आती रहती है मंदिर में आने से। आज शाम को यहाँ पर एक विशाल जागरण भी है। हाँ। लगातार शिवरात्रि पे सालों से इस मंदिर का महत्व रहा है। 12वीं ईस्वी का मंदिर है, जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो ओंकारेश्वर से लाया गया है, तो उसको लेके जनता में क्या महत्व है? कुछ आपके दोस्त में, आपके पब्लिक में, आपके घर में क्या महत्व है? महत्व के बारे में आप क्या कहें, लेकिन क्या है हमारे फैमिली वगैरह का ज़्यादा मान्यता यही है कि ना मतलब सोमवार के दिन तो वैसे हम आते ही हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही खास त्यौहार है, इस चक्कर में हम आए हैं। धन्यवाद।